यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है मेरे लिए दुआ करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पश्तो लैंग्वेज में किसी से कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करना, तो पश्तो में कहेंगे जमाला पारा दुआ उका, जमाला पारा दुआ उका। मेरे लिए इसका मतलब है जमाला पारा। दुआ को पश्तो में भी दुआ ही कहते हैं, दुआ करना दुआ उका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लैला इमरान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम छोटे छोटे पश्तो फिकरात सीखेंगे। ये फिकरात सीखकर आप अपने स्पोकन पश्तो को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लैला इमरान को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि हमारे आने वाली नई पश्तो लेक्चर आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है हमारा घर आ गया है। हमारा घर आ गया है तो पश्तो में कहेंगे जमुंग को रागले, जमुंग को रागले, या फिर जमुंग को रागे, ये दोनों कह सकते हैं। घर को पश्तो में कहते कोर। नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुमने मेरे दिल की बात कह दी, तुमने मेरे दिल की बात कह दी, तो पश्तो में कहेंगे ता जमा दजड़ा खबर उकड़ा, ता जमा दजड़ा खबर उकड़ा। तुमने इसका मतलब है ता, मेरे जमा दिल की दजड़ा, दिल को पश्तो में कहते जड़ा, बात कह दी खबरा उकड़ा, बात को खबरा कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा छठा नंबर है, मेरा छठा नंबर है, तो पश्तो में कहेंगे जमा शपगम नंबर दे, जमा शपगम नंबर दे। मेरा का मतलब जमा, छठा को पश्तो में कहते शपगम, नंबर है नंबर दे। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा सीना ख़राब है। अगर हमारा सीना ख़राब होता है और हम किसी से पश्तो लैंग्वेज में कहते हैं कि मेरा सीना ख़राब है, तो पश्तो में कहेंगे जमा सीना ख़राब अदा, जमा सीना ख़राब अदा। मेरा का मतलब है जमा, सीना को पश्तो में भी सीना ही कहते हैं, ख़राब है इसका मतलब है ख़राब अदा। नेक्स्ट है मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, तो पश्तो में कहेंगे ज कमज़ोर श्वम, ज कमज़ोर श्वम। मैं का मतलब है ज कमज़ोर हो गया हूँ, इसका मतलब है कमज़ोर श्वम। यहाँ पर एक भाई ने कुछ सेंटेंस कमेंट्स किए, उसने कहा कि नेक्स्ट वीडियो में ये वाले सेंटेंस ऐड कर देना। तो मैं उस भाई के सेंटेंस को पश्तो में ट्रांसलेट करके देता हूँ। यहाँ पर उस भाई का सबसे पहला सेंटेंस है क्या आप मुझको पसंद करती हो। अगर किसी लड़की से हम पश्तो लैंग्वेज में कहते हैं क्या आप मुझको पसंद करती हो, तो पश्तो में कहेंगे आया त मा ख्वाखावे, आया त मा ख्वाखावे। नेक्स्ट सेंटेंस भाई ने कमेंट्स किया है कि मुझे आपकी बड़ी बहन पसंद है, मुझे आपकी बड़ी बहन पसंद है, तो पश्तो में कहेंगे जमास्ता मशरा खोर ख्वाखादा, जमास्ता मशरा खोर ख्वाखादा। मुझे जमा बड़ी बहन, इसको पश्तो में कहते हैं मशरा खोर। बड़ी का मतलब है मशरा, यानी रिश्ते के मुतालिक जो बड़ी होते हैं उसे मशरा कहते हैं। बहन को कहते हैं खोर। पसंद है इसका मतलब है ख्वाखादा। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं आप पर लाइन मार सकता हूँ। यानी अगर हम किसी लड़की से पश्तो लैंग्वेज में कहते हैं कि क्या मैं आप पर लाइन मार सकता हूँ, तो पश्तो में कहेंगे आया जस्ता बंदे लेन वहलेशम, आया जस्ता बंदे लेन वहलेशम। मैं आप पर जस्ता बांधे लाइन मार सकता हूँ, लेन वहलेशम। नेक्स्ट है मैं रात को आपके ख्वाब में आऊँगा, मैं रात को आपके ख्वाब में आऊँगा, सुपश्तों में कहेंगे जद अशपेस्ता ख्वाब के दर्जम, जद अशपेस्ता ख्वाब के दर्जम। मैं का मतलब है ज, रात को दशपे, रात को पश्तों में कहते शपा, आपके इसका मतलब है स्ता, ख्वाब में आऊँगा ख्वाब के दर्जम, ख्वाब को ख्वाब कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझको बच्चा मत समझना, मुझको बच्चा मत समझना, तो पश्तो में कहेंगे माँ माशुम गणा, माँ माशुम गणा। मुझको इसका मतलब है माँ, बच्चा को पश्तो लैंग्वेज में कहते हैं माशुम। मत समझना माँ गणा, मुझको बच्चा मत समझना माँ माशुम गणा। नेक्स्ट सेंटेंस भाई ने कमेंट्स किया है कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको ख़रीद लेता, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको ख़रीद लेता, तो पश्तो में कहेंगे काश ये जमा सरा रुपये वाई नो तब मैं आखिस्ते वाई,
काश चे जमा सरा रुपये वाई नो तब में अखिस्ते वाई। काश मेरे पास इसका मतलब है काश चे जमा सरा पैसा होता रुपये वाई तो मैं आपको नुतबा में ख़रीद लेता आखिस्ते वाई। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम बदमाश हो क्या। अगर हम किसी से सवाल करते पश्तो लैंग्वेज में कि तुम बदमाश हो क्या तो पश्तो में कहेंगे तब बदमाश ये सा। नेक्स्ट है ज़्यादा नखरे मत करो तो पश्तो में कहेंगे डेरे नखरे मकवा। ज़्यादा का मतलब है डेरे, नखरे मत करो नखरे मकवा। नेक्स्ट है मेरी मजबूरी है तो पश्तो में कहेंगे जमा मजबूरी दा। मेरी का मतलब है जमा, मजबूरी को पश्तो में भी मजबूरी ही कहते हैं, है का मतलब है दा। नेक्स्ट सेंटेंस भाई ने कमेंट्स किया है कि काश मेरे ग्यारह बच्चे होते तो पश्तो में कहेंगे काश चे जमा यवोलस बची वाई। मेरे जमा ग्यारह को पश्तो में कहते यवोलस, बच्चे होते बची वाई या फिर मशुमान वाई। नेक्स्ट है मुझको चावल बहुत पसंद है तो पश्तो में कहेंगे जमा उरीजे डेरे ख्वाखे दी। मुझको जमा चावल को पश्तो में कहते उरीजे, बहुत पसंद है डेरे ख्वाखे दी। नेक्स्ट सेंटेंस है वक्त पैसा है तो पश्तो में कहेंगे वक्त पैसे दी। नेक्स्ट भाई ने कमेंट्स किया है कि सॉरी को पश्तो में क्या कहते हैं, इसका भी बताना। तो भाई सॉरी को उर्दू में कहते माजरत और पश्तो में कहते बखाना, यानी मैं आपसे माजरत करता हूँ पश्तो में कहेंगे जताना बखाना ग्वाड़म, माजरत बखाना, सॉरी को पश्तो में कहते बखाना। नेक्स्ट सेंटेंस भाई ने कमेंट्स किया है कि वैसे पूछा इसको पश्तो में क्या कहते हैं, वैसे पूछा तो पश्तो में कहेंगे हस्से में तपोस उको, यानी वैसे पूछा हस्से में तपोस उको। नेक्स्ट है मेरे लिए दुआ करना तो पश्तो में कहेंगे जमाला पारा दुआ उका। मेरे लिए जमाला पारा दुआ करना दुआ उका। नेक्स्ट सेंटेंस है काश तुम मेरी होती तो पश्तो में कहेंगे काश चित जमा वाई। मेरी होती जमा वाई। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ये थे पश्तो के छोटे छोटे सेंटेंस जो मैंने आप लोगों को सिखा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। मज़ीद इसी तरह पश्तो ट्रांसलेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।